जय श्री श्याम। एकादशी की सभी श्याम भक्तों को असीम शुभकामनाएं। आज हम उपस्थित हैं लखनऊ नरेश गोमती के किनारे खाटू धाम। जय श्री श्याम। आषाढ़ मास की एकादशी यानी ग्यारस, ग्यारस की धूम, लखनपुरी वाले रहे हैं झूम। आप सभी का स्वागत है खाटू धाम माँ गोमती के किनारे। यूं तो साल के 365 दिन बाबा के धाम पे भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर महीने की दोनों एकादशी यानी 11वें दिन भक्त अपने बाबा से विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए खाटू धाम पर उपस्थित होते हैं। खाटू बाबा प्रतीक हैं त्याग के, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के एक बार कहने से ही अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपना शीश दान कर दिया। खाटू बाबा प्रतीक हैं त्याग की, पराकाष्ठा के, क्योंकि भक्त जब अपने श्रद्धे से कुछ मांगता है तो उसे कुछ ही मिलता है, मगर जब अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण विश्वास उस पर समर्पित कर देता है और त्याग करता है तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। खाटू बाबा इसी बात के प्रतीक हैं। खाटू बाबा प्रतीक हैं एक माँ के वचन को शिरोधार्य रखते हुए, सामने कोई भी हो और हारने वाले का ही साथ देने का वादा करने वाले सच्चे पुत्र का प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खाटू बाबा के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम नाम से पूजे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद का ही प्रताप है कि आज खाटू बाबा ना केवल भारत देश अपितु विदेशों में भी पूजे जा रहे हैं। नित्य दिन प्रतिदिन खाटू बाबा के लाखों लाखों भक्त भगवान श्री खाटू से जुड़कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यूं तो भारत में भगवान श्री खाटू बाबा के हजारों मंदिर हैं, मगर भगवान श्री खाटू बाबा के दो सर्व प्रमुख मंदिर हैं। पहला मंदिर भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में है, जिसे चुलकाना धाम या बुलकाना धाम कहा जाता है, जहां भगवान श्री खाटू बाबा ने अपने शीश का दान महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया था। क्योंकि तात्कालिक महाभारत का युद्ध जिस भूमि पर लड़ा गया, जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है, वर्तमान में वो भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत में स्थित है, जहाँ पे भगवान श्री खाटू बाबा का बुलकाना धाम स्थित है। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश अर्पित करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने श्री खाटू बाबा के शीश को अमर कर दिया था और महाभारत का संपूर्ण युद्ध श्री बाबा ने अपने मुख द्वारा एक पहाड़ी के टीले पे स्थित होकर देखा। युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने अपनी अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हुए सर्वश्रेष्ठ होने का दम भरा, तो भगवान श्री खाटू ने कहा, युद्ध में तो कोई भी नहीं लड़ रहा था, युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था और संपूर्ण महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन ने विजय प्राप्त की। बाबा श्री खाटू का दूसरा और सर्व प्रमुख मंदिर, जहाँ श्री खाटू बाबा का शीश प्रकट हुआ था, वो राजस्थान राज्य के सीकर ज़िले में स्थित है, जिसे हम सभी खाटू धाम के रूप में जानते हैं। और रिंगस से खाटू धाम की यात्रा आज भारत ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग करने आते हैं। खाटू धाम को एक दिव्य और अलौकिक और सर्वमान्य धाम के रूप में स्थापित करने में श्री श्री आलो सिंह महाराज का अभूतपूर्व योगदान है, जिन्होंने भगवान खाटू बाबा के अनन्य भक्त के रूप में उनका पूजा अर्चन किया, उनका संपूर्ण जीवन ध्यान करते हुए खाटू धाम को भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक श्याम धाम के रूप में स्थापित किया। आज जब भी हम खाटू बाबा का नाम लेते हैं या खाटू बाबा की आरती करते हैं, तो श्री श्याम या खाटू बाबा के साथ श्री श्री आलू सिंह स्वामी, श्री श्री आलू सिंह महाराज का नाम भी अमर हो जाता है।
श्री आलू सिंह महाराज ने भगवान खाटू धाम की स्थापना कर अपने नाम को, अपने स्थान को, अपने राजस्थान राज्य को अमर कर दिया। यूं तो बाबा को प्रसाद के रूप में बहुत कुछ अर्पित किया जाता है, मगर सर्वप्रमुख प्रसाद के रूप में चूरमा और मेवे का प्रसाद भगवान श्री खाटू धाम को सर्वप्रिय है। बाबा को प्रसाद के अलावा गुलाब के फूल, इत्र और मोर छड़ी भी चढ़ाई जाती है, जो बाबा को अत्यंत प्रिय है। बाबा के अन्य नामों में लखदातार सर्वप्रमुख नाम है। इसका अर्थ होता है भगवान श्री खाटू चुन चुन कर देने वाले, यानी उन्हीं व्यक्तियों को भगवान श्री खाटू का प्रताप या कृपा प्राप्त होती है जो उसके योग्य होता है। भगवान श्री खाटू अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। जो भी अपनी झोली, अपना हाथ उनके सामने फैलाता है, बाबा सदैव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इसी विश्वास के साथ आज लाखों हजारों भक्त श्री खाटू बाबा के दर्शन और अर्चन करने उनके मंदिर जाता है, और ग्यारस या एकादशी के दिन विशेष रूप से भक्त अपने बाबा से मिलने ज़रूर जाता है। और कहा जाता है कि जो ग्यारस के दिन भगवान श्री खाटू के दर्शन करने जाता है, उसकी संपूर्ण मनोकामना श्री खाटू बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। खाटू बाबा की जय। श्री श्याम लखदातार शीश के दानी ठाकुर जी की जय।